हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रेन में घर जैसा प्राइवेट रूम जिसको कूप कहते हैं कैसा होता है। क्या आप घर बैठे ट्रेन का कूप बुक करा सकते हो? कूप कैसे बुक करते हैं और कितना खर्च आता है? मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस जिसको न्यू फरक्का एक्सप्रेस भी कहते हैं उसका फर्स्ट एसी कोच कैसा होता है? क्या अब फर्स्ट एसी कोच में वेट सीट कंबल तकिया मिलना शुरू हो गया है? क्या अब एसी कोच में कर्टन लग गए हैं? फर्स्ट एसी कोच में कितने कूप और कैबिन होते हैं? और वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि IRCTC से ऑनलाइन कूप कैसे बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक्चुअल में कूप बुक करके दिखाऊंगी। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। 14003 मालदा टाउन एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलती है और भागलपुर होते हुए नई दिल्ली जाती है। आपने मेरे बहुत सारे जर्नी ब्लॉग देखे होंगे, जैसे मैंने हावड़ा राजधानी का फर्स्ट एसी के कूप में ट्रैवल का जर्नी ब्लॉग बनाया था, हावड़ा दुरंतो के फर्स्ट एसी कूप का भी जर्नी ब्लॉग बनाया था, पटना राजधानी के कूप का भी जर्नी ब्लॉग बनाया था। उम्मीद है आपने ये सारे ब्लॉग देखे होंगे और आपको बहुत जानकारी मिली होगी और मजा आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा कोई जर्नी ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी जर्नी ब्लॉग का लिंक डाल दूंगी, आप वहां क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्नी ब्लॉग की जगह ढेर सारी जानकारी देने वाली हूँ। मैंने अपने सास और ससुर जी के लिए नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में कूप बुक कराया है। उनका सफर भागलपुर से नई दिल्ली तक का है। ये मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस भागलपुर आ गई है। अब मैं इसके फर्स्ट एसी कोच का पूरा इनसाइड व्यू दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें घर जैसा कमरा जिसे कूप कहते हैं कैसा होता है। दो बर्थ वाला कंपार्टमेंट जिसका दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हो उसको कूप कहते हैं, और चार बर्थ वाले कंपार्टमेंट को केबिन कहते हैं। नई कोच में चार केबिन होते हैं और चार कूप होते हैं। कूप और केबिन की संख्या कोच के बनावट पे निर्भर करती है। फर्स्ट एसी कोच में अब तकिया कंबल बेडशीट मिलना शुरू हो गया है। इसके दरवाजे खिड़की और कॉरिडोर में अब कर्टन भी लग गए हैं। कूप का दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं और कुंडी भी लगा सकते हैं। पर्दा लगा देने के बाद ये बिल्कुल अपने घर के कमरे जैसा हो जाएगा। इनमें आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के एसी कोच में खाना फ्री नहीं मिलता है, यहाँ तो पानी भी फ्री नहीं मिलता है। राजधानी और दुरंतो ट्रेन में खाना और पानी दोनों फ्री मिलता है। इसका चार्ज टिकट में इंक्लूड होता है। ये मैं मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस के कूप का इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ। और ये मैं इसके फर्स्ट एसी कोच का कॉरिडोर दिखा रही हूँ। हमारे सास ससुर जी को कूप भी अलॉट हुआ था। मैं आपको अब दूसरा कूप भी दिखाती हूँ।
चलिए अब मैं आपको चार बर्थ वाला कैबिन भी दिखाती हूँ। अगर आप चार फैमिली मेंबर के साथ सफर कर रहे हैं तो ये पूरा कैबिन बुक करा सकते हैं। अब मैं आपको इसका टॉयलेट भी दिखाती हूँ। फर्स्ट एसी कोच का टॉयलेट साफ सुथरा रहता है क्योंकि यहाँ पे बार बार सफाई होती रहती है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किसी भी फर्स्ट एसी कोच में कूप बुक कैसे करते हैं। IRCTC की वेबसाइट या IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लीजिए। कहां से कहां तक जाना है लिख लीजिए। मैंने भागलपुर से नई दिल्ली लिखा है, डेट मैंने 24 अप्रैल का डाला है। फिर मैंने सर्च किया तो बहुत सारे ट्रेन का लिस्ट आ गया। सिर्फ इसी ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में 3 सीट अवेलेबल है। फिर क्या, मैंने फटाफट बुक करना शुरू कर दिया। 2 पैसेंजर का नाम मैंने डाल दिया, अपने सास का और ससुर जी का। फिर प्रेफरेंस में मैंने कूप का ऑप्शन डाला और पेमेंट कर दिया। बात यही खत्म हो जाती तो कोई और बात थी, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। रेलवे फाइनल टिकट में सीट नंबर या कूप मिलने की जानकारी नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ कंफर्म्ड लिखा हुआ आता है। आपको 2 बर्थ वाला कूप मिला है या 4 बर्थ वाला केबिन में सीट, ये ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले ही पता चलेगा, मतलब चार्ट प्रिपरेशन में ही पता चलेगा। आपको ऐसा ही SMS आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको कूप अलॉट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ढेर सारी जानकारी मिली होगी। फिर जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।